मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक जो प्रभाव है वो किसकी वजह से आता है, क्यों आता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। और ये देखा था कि जब किसी भी यौगिक का अगर कोई सहसंयोजक बंध टूटता है बेटा, तो उसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड वो जब सहसंयोजक बंध असमान रूप से टूटता है, मतलब हेटेरोटिक विदलन होता है, तब वहां पे कार्बोकेटायन और कार्बेन आयन बनता है। कार्बोकेटायन मतलब जब कार्बन से कोई प्रबल विद्रोणात्मक तत्व लगा हो तो वो तत्व क्या कर लेता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस तत्व पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि कार्बन से कोई निम्न इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व लगा हुआ तो वो कार्बन से क्या कर लेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कार्बन नाइन और पॉजिटिव को कार्बोकेटायन बोलते हैं। और अगर वही समान रूप से बॉन्ड टूट रहा है, मतलब होमोरिटिक विदलन हो रहा है बेटा, तो वहां पे मुक्त मूलक का निर्माण होता है, ठीक है, बात समझ गया। तो अब यहाँ पे सीखते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के प्रकार देखो। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होता क्या है बेटा, ये तो पहले लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होता है देखो, किसी यौगिक में रिएक्शन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए अपने पुराने सहसंयोजक बंध को तोड़ते हैं, जिससे मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण होता है, वह यौगिक नए उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहते हैं। जो मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं ना, उनमें लगने वाले प्रभाव को इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहते हैं। चार प्रकार का होता है। पहला प्रेरण प्रभाव। पहला क्या बेटा, प्रेरण प्रभाव। एक मिनट, पहला क्या होता बेटा, प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव जिसको बोलते हैं इंग्लिश बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होगा अनुनाद। तो आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इसके एप्लीकेशन सीखेंगे हम लोग, केवल इसके क्या सीखेंगे, अनुप्रयोग सीखेंगे, ओके बेटा, क्या होता है अनुप्रयोग इसके। और थर्ड है मेजोमेरिक प्रभाव, और फोर्थ है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, और फिफ्थ है मेसोमेरिक अनुनाद प्रेरण, और फिफ्थ है बेटा ये प्रभावी है कह सकते हैं एरोमेटिसिटी प्रभावी कह सकते हैं। लेकिन ये चार प्रभाव आपको पढ़ने हैं बेटा अच्छे तरीके से, ठीक है ना।
इलेक्ट्रोमेरिक, मेजोमेरिक, अनुनाद, प्रेरण प्रभाव, ठीक है ना। जिसमें से प्रेरण प्रभाव, अनुनाद और मेजोमेरिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत तरीके से पढ़ना। प्रेरण क्या होता है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालोगे प्रेरण प्रभाव, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, परिभाषा लिखोगे। क्या होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, लिखो। इंडक्टिव इफेक्ट किसी कार्बनिक यौगिक में, इंडक्टिव मतलब प्रेरण प्रभाव, किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणुओं के इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता के अंतर द्वारा उत्पन्न होता है। अंतर द्वारा उत्पन्न होता है, अंतर द्वारा उत्पन्न होता है। जब उस कार्बनिक यौगिक में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, यौगिक में परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, तो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो उनके इलेक्ट्रॉन बादल ध्रुवित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, ध्रुवित हो जाते हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉन बादल ध्रुवित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का ध्रुवण प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के, इलेक्ट्रॉन का ध्रुवण प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन परमाणुओं पर आंशिक आवेश आ जाता है। मतलब देख लो बेटा, इन्होंने क्या बताया परिभाषा में, कि कोई जब कार्बनिक यौगिक होता है बेटा, कोई कार्बनिक यौगिक होता है, अगर उससे कोई एलिमेंट लगा है, ठीक है ना, तो अगर उनके एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन ऑफ किसकी एक्स वो ग्रेटर देन है ईएन ऑफ किसकी से, कार्बन से, तो क्या होगा बेटा, कार्बन का ध्रुवण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, एक्स एटम की तरफ होने लगेंगे। ये क्यों ऐसा होता है, कि हो सकता है कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो पहले तो ऐसा हो, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो बेटा, ऐसा हो, तो ये क्या करने लगता है, इसको अपनी तरफ खींचने लगता है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या आ जाता है बेटा, ध्रुवण आ जाता है, ठीक है ना बेटा, क्या जाता है, ध्रुवता आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या होगा, ध्रुवता आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप इसके पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डेल्टा नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा मतलब आंशिक हो सकता, मतलब पूरा बॉन्ड टूटा नहीं है, इलेक्ट्रॉन का बेसिकली क्या हुआ है, ध्रुवण ही तो हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक का क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ध्रुवण हुआ है, टूटा नहीं है बॉन्ड, ये टूटा नहीं है बेटा, याद रखना, बॉन्ड टूटा नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, ध्रुवण हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी क्या बेटा, जब इस कार्बनिक यौगिक से जो एक्स एटम लगा हुआ है उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो क्या हो, अधिक हो, और कार्बन की क्या हो बेटा, क्या हो, कम हो। तो कंडीशन नंबर हम सेकेंड देखेंगे, कि अगर इसी कार्बनिक यौगिक में एक्स एटम जो लगा है
उसकी विद्युत अर्भकता EN जो है वो क्या हो बेटा, वो कम हो किससे, EN ऑफ कार्बन से, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगेंगे, मतलब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस एक्स एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ मोड़ लेगा, नहीं तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ध्रुवण हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कब उत्पन्न होता है, अब ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब कनेक्टिंग जो कार्बन की श्रृंखला है उससे जो यौगिक तत्व कनेक्टिंग कनेक्ट है, अगर मतलब जुड़ा हुआ है, तो अगर उनकी विद्युतात्मकता के मध्य अंतर आ रहा है, सबसे पहले कंडीशन सुनो, अंतर आ रहा है तो उनके बीच क्या हो जाएगा, उनके जो परमाणु बादल हैं उनके बीच ध्रुवण हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब आंशिक रूप से धनावेशित हो जाएंगे या ऋणावेशित हो जाएंगे। बात समझ रहे हो बेटा अच्छे से, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये देखो, इसके जो फीचर्स होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के फीचर, प्रेरण प्रभाव के, प्रेरण प्रभाव के फीचर्स तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किस तरफ से हो रही है, सिग्मा बंद की तरफ से। तो क्या लिखोगे, पहला सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का जो क्लाउडिंग है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बेटा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूवमेंट हो रहा, ध्रुवित हो रहा है, वो सिग्मा बंद के थ्रू हो रहा है। तो क्या लिखोगे आप, तत्वों के इलेक्ट्रॉन बादल सिग्मा बंद से ध्रुवित होते हैं। क्या होता है बेटा, सिग्मा बंद से ध्रुवित होते हैं। यह प्रभाव परमानेंट होता, मतलब हमेशा होता है, यह प्रभाव यौगिक में हमेशा होता है। तीसरा पॉइंट, यह प्रभाव दूरी पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता, मतलब समझ लो कि जैसे मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे एक एटम कोई लगा जिसकी इलेक्ट्रॉन दूरी ज्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अब तुम सोचो, ये भी तो खींचेगा ना बेटा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, चौथे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव इफेक्ट का मान 0 हो जाता है। मतलब अगर हम तुमसे बोले कि इस कार्बन पे पॉजिटिव इतना चार्ज क्रिएट हुआ तो यहाँ पे इतना होगा, यहाँ पे इतना होगा। बात समझ रहे हो बेटा, कि जैसे जैसे अब दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसीलिए प्रेरण प्रभाव क्या होता है बेटा, दूरी पे डिपेंड करता है। ओके बेटा, समझ गए अच्छे से। चलो अब प्रेरण प्रभाव के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। लिखो, प्रेरण प्रभाव के प्रकार, लिखोगे बेटा प्रेरण प्रभाव के प्रकार, इसमें लिखोगे प्रेरण प्रभाव, प्रेरण प्रभाव दो प्रकार का होता है। पहला प्लस आई प्रभाव, दूसरा माइनस आई प्रभाव। प्लस आई और माइनस आई प्रभाव क्या होते हैं, ये पहले नोट करो फिर बताते हैं भी। चलिए बेटा, प्लस आई प्रभाव क्या होता है, प्लस आई प्रभाव, ठीक है ना, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट है तो इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो
तो प्लस आई प्रभाव क्या होता है बेटा, बताइए आपको कि प्लस आई प्रभाव होता क्या है। देखो, जब किसी कार्बनिक यौगिक में, लिखो बेटा, जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की श्रृंखला से कोई निम्न विद्युत ऋणात्मक तत्व, कार्बन से निम्न विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, तो वह तत्व कार्बन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन बादल को स्थानांतरित कर देता है, इलेक्ट्रॉन बादल को स्थानांतरित कर देता है, जिससे उस तत्व पे आंशिक धनावेश तथा कार्बन पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस प्रक्रिया को प्लस आई प्रभाव कहते हैं। मान लो ये वाई है बेटा, ठीक है ना, और वाई की जो ईएन है बेटा, वाई की वो क्या हो जाए, वो लेस देन हो जाए किससे, ईएन ऑफ कार्बन से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या होगा बेटा, इसे सॉरी सॉरी ये इसे खींच लेगा कार्बन इससे, तो यहाँ पे तो डेल्टा क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ तो जीरो हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज समझ लो पहले, तो अब जो आई का मतलब होता है, आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, वो पहले समझ लो कि वो कनेक्टिंग ग्रुप की ऊपर जो चार्ज है ना बेटा, उसकी वजह से हो रहा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, अगर यहाँ निगेटिव आता तो यहाँ पे क्या आता, माइनस आई इफेक्ट। इसको देख के मत जाना, कार्बन नहीं एलिमेंट को आपको देखना, तत्व को देखना कि तत्व पर कैसा जाए, उसी टाइप का क्या होगा, प्रभाव होगा। यदि क्या होता प्लस चार्ज, मतलब उसके आंशिक रूप से आ जाए, तो इसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट किसमें अधिक होगा, किसमें अधिक नहीं होगा, सीरीज में तुमको बता दे रहा हूं, ठीक है ना, देखो बाद में बता देंगे, तो ठीक है। अब लिखोगे माइनस आई प्रभाव, देखो जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की श्रृंखला से, जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की श्रृंखला से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, तो वह तत्व कार्बन से कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ स्थानांतरित कर लेता है, जिससे उस तत्व पे आंशिक ऋणात्मक आवेश तथा उस कार्बन पे धनात्मक आंशिक आवेश आता है, आंशिक धनात्मक आवेश आता है, ठीक है बेटा। तो ये देखो यहाँ पे एक्स एटम है, तो एक्स एटम क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मान धीरे धीरे कम होता जाता है, चौथे इलेक्ट्रॉन तक जीरो हो जाता है। यदि कब, बोलो बेटा, यदि जो ईएन ऑफ क्या है, ईएन ऑफ एक्स है, वो ग्रेटर देन हो किससे, ईएन ऑफ कार्बन से, ओके बेटा, बात समझ गए। चलो, तो ये प्लस आई माइनस आई था, अब मैं इसकी सीरीज दे रहा हूं,
जिससे आप लोग क्या करोगे, प्लस आई माइनस आई के सीरीज यानी कि किसकी अधिक है किसकी कम है वो आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस आई में देखो सबसे कम किसकी होती है, सी एस थ्री की, फिर उससे सबसे कम इसकी होती है, फिर उससे ज्यादा सी एच टू सी एस थ्री की होगी, फिर उससे ज्यादा सी एच थ्री सी एच की होगी, ठीक है बेटा, और सबसे ज्यादा टर्सरी वाले की होगी, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा वो कौन सा करेगा, ये वाला कंपाउंड। और माइनस आई देखो सबसे ज्यादा जो आ रहा है, माइनस आई NF3 प्लस, ये बहुत ही खतरनाक माइनस आई प्रभावित है, मतलब ये बहुत ज्यादा खींचेगा। फिर NH3 प्लस यहाँ पे ये और खींचेगा, फिर NO2, फिर CnSO3H भी ले सकते हो सल्फोनिक एसिड, फिर है CN, फिर है COOH, फिर है X, X में क्या आ गया बेटा, फ्लोरीन आ गई सबसे ऊपर, फिर क्लोरीन आ गई, फिर ब्रोमीन आ गई, फिर आयोडीन आ गई, फिर क्या आएगा OH, फिर क्या आएगा बेटा थायोसल एल्कोहल, फिर आ गया एल्डिहाइड, फिर आ गया बेटा कीटोन, फिर आ गया ईथर, फिर आ गया NH2, फिर आ गया बेंजीन की रिंग, और फिर आ गया ड्यूटेरियम, फिर आ गया क्या हाइड्रोजन। ये सारी चीजें, ये माइनस आई इफेक्ट शो करने का सीरीज है। इसमें बेटा मैंने उल्टा साइन लगा दिया, इसमें ऐसे सीधा लगा दिए, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने आपने ऐसे कर दिया। तो ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, और ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी, NF3, फिर NH3, फिर NO2, फिर SO3, फिर CN, फिर एल्डिहाइड, ठीक है। तो जिसमें से आपको ये याद रखना है, नाइट्रोजन, साइनाइड, CH3, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, ठीक है, SHO, क्विटोन, ईथर, एमाइन, ये इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है बेटा, खत्म होता है इंडक्टिव इफेक्ट आपका। इसके हम अनुप्रयोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बेटा, थैंक यू।